लगता है ये दो दिन परेड खत्म नहीं होगी मिनिमम, ये बात है। इससे ज़्यादा ट्रैक्टर भी बहुत पीछे हैं, कम से कम 70-80 किलोमीटर तक का लंबा जाम है अंदर अंदर दिल्ली के अंदर, बाहर तो कुछ कह नहीं सकते। लोगों का इतना, किसानों का इतना हजूम है, जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, थकावट महसूस नहीं कर रहे हैं, कोई भी थकावट महसूस नहीं कर रहा है, पैदल भी जा रहे हैं, ट्रैक्टर पर भी बैठे हैं। बहुत तगड़ा शक्ति प्रदर्शन रहेगा ये वर्ल्ड का, बहुत तगड़ा शक्ति प्रदर्शन रहेगा। गण का दिवस है, गण का मतलब आदमी, आदमी का मतलब जनता, और जनता ये रैली निकाल रही है। परेड तो गणतंत्र दिवस पे निकलती है, तो हम परेड निकाल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ लोग इसमें गर्म दल के हैं, कुछ लोग नरम दल के हैं, जो आज़ादी से पहले भी थे। गर्म दल वालों ने कुछ और रास्ते चुने हैं, नरम दल वालों ने कुछ और रास्ते चुने हैं। हम नरम दल से हैं, हम अहिंसा के साथ हैं, जहाँ हमें रोकेंगे हम वहीं बैठ जाएंगे, हम आगे जाएंगे नहीं। आपने किसानों के हक में ये बिल बनाए और आज किसान कैसे संगठित होकर आपके खिलाफ खड़ा है? आपसे पूरे देश का युवा, आम नागरिक, हर कोई परेशान है, इस वजह से आज किसान सड़कों पे है। 10 लाख ट्रैक्टर ट्रॉली आज दिल्ली के अंदर घुसे हुए हैं, इनको अब भी समझ में नहीं आती है, तो ये बहुत बड़ी अंधेरे में है, खुद को अंधेरे में रख रहे हैं या जनता को रख रहे हैं। आम आदमियों से भी मैं कहना चाहूंगा, ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये आपकी लड़ाई है। रोटी आप इंटरनेट से डाउनलोड नहीं कर सकते, रोटी खाने के लिए आपको किसान की जरूरत होगी, किसान की जरूरत होगी, उसको भाव भी चाहिए, उसको सम्मान भी चाहिए, उसको मान भी चाहिए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं। जब ये लॉ बनाए गए तो हमारे देश में एक तरह से लॉकडाउन यानी कि एमरजेंसी लगी हुई थी, तो ऐसा क्या था इन लॉज में जो उस एमरजेंसी के टाइम पे इन लोगों ने बनाने पड़े? ये बाद में भी बना सकते थे, अच्छी तरह से सदन में विचार करके किसान, अब भी तो ये कह रहे हैं कि विचार करो, क्या कमी है इस पर विचार करो, अब भी तो कह रहे हैं। ये उस टाइम पर विचार करके ऐसा कुछ करते तो शायद ऐसा नहीं होता। ये देखो आप, अरबों करोड़ों रुपये का डीजल फूक के किसान आया है, और कर्जे में आ गया किसान, अब इतना ज्यादा कर्ज में आ जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इन्होंने कमेटी बना दी, कमेटी में जो 4 सदस्य बनाए किसानों से बात करने के लिए, उनके पहले के व्यू हैं भी जो तो लॉज अच्छे हैं, आप कम से कम कमेटी ऐसी बनाते जो न्यूट्रल बात करती, वो कैसे आप, ये गलत बात है ना, वो कैसे हमारा पक्ष अच्छी तरह सुनेंगे? आपने हमको अंडर एस्टिमेट किया, आपने हमको कम समझा, आज नतीजा आपके सामने है। अगर आपने बिल वापस नहीं लिए तो नतीजा इससे भी कहीं ज़्यादा आगे तक होगा। हम दिल्ली दिल्ली नहीं, मुंबई तक भी जाएंगे, देश के हर कोने तक के जाएंगे और हर देश के किसान को जगाएंगे। आज ये हरियाणा पंजाब के 1.5 करोड़ किसान सड़कों पर है, ये हरियाणा पंजाब अकेला 1.5 करोड़ किसान पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ रहा है।